सभी साथियों को नमस्कार। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे संस्कृत एकेडमी का जो ये अभी जो प्रोग्राम ये चल रहा है क्विज का जूनियर लेवल पे, उसके लिए हम फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे और उसमें वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे जिससे कि हम उन वीडियोस को पब्लिक में शेयर कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के थ्रू एक बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे कैसे बनाएंगे। तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, अपना फेसबुक जो हमारा अकाउंट है वो हमको यहाँ से खोल लेना है, अपने मोबाइल फ़ोन में ही खोल लेना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको होम में जाना है, मैं ऑलरेडी होम पे ही हूँ। तो अब आप होम में जो ये आपको तीन डॉट्स दिख रहे हैं, तीन डॉट्स में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप में ही आपके पास पेजेस आएगा। जैसे मेरे ऑलरेडी इसमें चार पेजेस बने हुए हैं, तो मैं अगर एक नया पेज और बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यूर फोर पेजेस में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही हैं, क्रिएट, डिस्कवर, इन्वाइट। तो हमारे पास जो पहला वाला ऑप्शन जो है क्रिएट, उस क्रिएट में हम जाएंगे। अब देखिए क्रिएट में सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, द पेज द स्पेस वेयर पीपल कैन पब्लिकली कनेक्ट विद योर बिजनेस, पर्सनल ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन, और इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको देता रहता है कि हमको करना क्या है। तो हमको करना ये है कि जो ये नीचे गेट स्टार्टेड वाला बटन है इसमें क्लिक करना है। अब देखिए इस गेट स्टार्टेड वाले को मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ इसको एक ABC करके मैं एक पेज बना लेता हूँ। अब देखिए नाम दे दिया मैंने, तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से हम पेज यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए कुछ लोडिंग ले रहा है ये। अब देखिए सर्च फॉर कैटेगरीज, अब देखिए आपकी जो ये पेज है, हमारा जो ये पेज हमने बनाया है, जिस भी चीज़ के लिए बनाया है उसके लिए ये कैटेगरीज ढूंढ रहा है। तो हम इसमें माना एजुकेशन सर्च करेंगे अगर, तो एजुकेशन ही डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसको चाहे हम स्किप भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको पर्सनल ब्लॉग में ले लिया, पर्सनल ब्लॉग हमने क्लिक कर लिया है। आप चाहे यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेबसाइट का लिंक मांग रहा है, क्योंकि वेबसाइट हमारी कोई है नहीं, तो उस वेबसाइट को हम इसको आई डोंट हैव एनी वेबसाइट इसमें क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर हमने डालना है। अब पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर में हम एकेडमी का कोई लोगो डाल सकते हैं, एकेडमी का लोगो हमारे पास सबके पास ही है, तो एकेडमी का लोगो अगर हम डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एकेडमी का लोगो कहीं पर होगा तो मैं वहाँ से उठा लूँगा, या सबके पास ही है वो, तो मेरे को भी मिल नहीं रहा एकेडमी का लोगो, तो मैं कोई सी भी चीज़ यहाँ पर डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक इमेज है, इमेज को डाल देता हूँ। अब देखिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखिए कवर फोटो, कवर फोटो भी अगर हमको कुछ डालना है तो कवर फोटो में भी हम कुछ लेते हैं, मैंने अपने बेटे का ले लिया ये। तो कवर फोटो ये चीज़ें हमको दोनों पहले से बना के रखनी है, क्योंकि अगर हमने पहले बस बना के रखी होंगी तो हमको दिक्कत नहीं आएगी उस समय। अब देखिए दोनों ही चीज़ें अपलोड हो गई हैं, डन। अब देखिए हमारा जो पेज है वो बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऐड प्रोफाइल पिक्चर और ऐड कवर पिक्चर था, ये दोनों हमारा काम हो चुके हैं। अब देखिए इनवाइट फ्रेंड्स, इनवाइट फ्रेंड्स में आप क्या कर सकते हैं कि इनवाइट फ्रेंड्स में जितने भी आपके फेसबुक के जितने भी दोस्त होंगे उन सबको आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इनवाइट कर सकते हैं यहाँ से। इनवाइट जैसे हम फ्रेंड्स करेंगे और हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, सबको आप एक साथ भी क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास देखिए इसमें जो मेरे फ्रेंड्स हैं 4635 हैं, तो मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और सबको एक साथ ही ये मैसेज सेंड कर दूंगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, सी सजेस्टेड ग्रुप्स, क्रिएट पोस्ट, ये सारे ऑप्शन इसमें आते रहेंगे। अब देखिए ये हमारा पेज बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। अब हमको इसमें पोस्ट कैसे डालने हैं, अब देखिए ये पेज हमारा खुल चुका है। अब देखिए इसमें हमने पोस्ट डालने हैं, अब यहाँ पर पोस्ट में हमने क्लिक किया और आप जो भी डालना चाहते हैं, कोई फोटो डालना चाहते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं, अब यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मली हमारा काम है, हमने जो हमारे पास बच्चों द्वारा जो वीडियोज भेजे गए हैं उन वीडियोज को ही सेंड करना है, तो फोटो स्लैश वीडियो वाले ऑप्शन को हमने क्लिक करना है और बैकएंड से हमने वीडियोज उठाने हैं और यहाँ पब्लिश कर देने हैं। तो यही बेसिकली हमारा काम रहेगा। और जब भी, जैसे देखिए मैंने जो ये जो प्रोफाइल पिक्चर था वो जब अपलोड किया था, तो ये यहाँ पर एक मेरा पास एक मेरा पोस्ट आ गया है। अब इसको शेयर कैसे करेंगे, अब शेयर करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ये थ्री डॉट्स हैं, जैसे जैसे हम वीडियो जिसने शेयर करते रहेंगे वैसे वैसे ये जो हमारा टाइम लाइन है, टाइम लाइन में वो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स को हमको क्लिक करना है और कॉपी लिंक कर लेना है। अब लिंक को हम जैसे कॉपी कर लेंगे और उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर लेंगे,
तो व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट करने के बाद उस बच्चे को हम सेंड कर सकते हैं कि भाई आपका ये वीडियो है और आप इसको प्रमोट कर लीजिए जहां तक पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हैं। तो होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे ये पेज को डेवलप करना है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको इनकी इसके अगर कोई परेशानी होती है इसको बनाने में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में या शेयरिंग करने में। थैंक यू।